Hello student, in previous video I explained you about program, software, hardware, etc. and types of software. There are three types of software: system, application and mobile. In previous video I explained you about system software, and in system software I explained you system management software. And in system management software I explained you about operating system, library program. Now today I will explain you third type of system management software, system management program. Third type of system management program is utility program. Third जो type है इसका वो कौन सा है? Utility program. Utility program that is used to perform daily routine work. सिस्टम प्रोग्राम इज यूज टू परफॉर्म डेली रूटीन वर्क. जो हमारा डेली रूटीन का जो वर्क होता है उसको जो हमें परफॉर्म करना होता है, उसके लिए जो हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, उसके लिए जो हम प्रोग्राम यूज करते हैं, डैट इज नोन एज यूटिलिटी प्रोग्राम. वो कौन से प्रोग्राम होते हैं आपके? यूटिलिटी प्रोग्राम. यूटिलिटी प्रोग्राम आर पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. कुछ यूटिलिटी प्रोग्राम जो होते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम के ही पार्ट होते हैं. सम आर पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. कुछ जो होते हैं वो क्या होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के ही पार्ट होते हैं, बट कुछ को जो है हमें परचेज करना होता है. क्लियर? आई रिपीट, यूटिलिटी प्रोग्राम दैट इज यूज टू मेंटेन द रूटीन कंप्यूटर सिस्टम टास्क. जो आपके रूटीन के कंप्यूटर से रिलेटेड टास्क होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए जो हम प्रोग्राम यूज करते हैं वो कौन से होते हैं? यूटिलिटी प्रोग्राम. टू मोर पॉइंट्स. यूटिलिटी प्रोग्राम डेट सम ऑफ द यूटिलिटी प्रोग्राम आर इंस्टॉल इन ऑपरेटिंग सिस्टम बाई डिफॉल्ट इंस्टॉल इन ऑपरेटिंग सिस्टम. जो कुछ ऑपरेटिंग प्रोग्राम और यूटिलिटी प्रोग्राम ऐसे होते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम में बाई डिफॉल्ट आते हैं, और कुछ जो हमें परचेस करने होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट यूटिलिटी प्रोग्राम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर. दिस सॉफ्टवेयर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर. Why we use antivirus software? Antivirus software is an application used for detecting and removing the virus. I repeat, antivirus software is a part of utility program that is used to detecting and removing the virus. मतलब कि वायरस को आइडेंटिफाई करना और उसको रिमूव करना, ये सारा वर्क कौन सा सॉफ्टवेयर करता है? आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर. नाउ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर प्रोवाइड थ्री ऑप्शंस. एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जब भी आप यूज करोगे तो उसमें आपको थ्री ऑप्शंस अवेलेबल होंगे. फर्स्ट, इग्नोर. सपोज यू स्कैन वन फाइल. आपने क्या किया? वन फाइल को स्कैन किया एंड द वायरस मैसेज विल बी डिस्प्ले. जैसे ही आपने उस फाइल को स्कैन किया और आपको एक वायरस मैसेज शो हो गया. नाउ इफ यू वॉन्ट टू इग्नोर द मैसेज, मतलब कि आप इफ यू डज नॉट परफॉर्म एनी ऑपरेशन ऑन वायरस फाइल, ऑन वायरस मतलब कि जो आपका वायरस आया है उस पर आपको कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना है. आप चाहते ही नहीं हो कि उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो, आप चाहते हो कि नहीं वो इग्नोर हो जाए. ठीक है, देन फर्स्ट ऑप्शन इज यूज इग्नोर ऑप्शन. तो हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? इग्नोर ऑप्शन. इससे आपका क्या होता है कि आपकी फाइल से वायरस जो होगा वो रिमूव नहीं होगा. वायरस जो होगा वो रिमूव नहीं होगा. क्लियर? अगर आपने इग्नोर बटन पे क्लिक कर दिया तो वायरस जो है वो आपकी फाइल से रिमूव नहीं होगा. क्लियर? एंड व्हेन यू क्लिक ऑन रिपेयर ऑप्शन,
सेकेंड जो ऑप्शन होगा वो आपका कौन सा है, रिपेयर ऑप्शन. अगर आपने रिपेयर ऑप्शन पे क्लिक कर दिया देन द वायरस रिमूव फ्रॉम द फाइल, देन वायरस क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा आपकी फाइल में से, बट आपकी फाइल जो है वो एज इट इज रहेगी. फाइल या फोल्डर जो भी होगा वो एज इट इज रहेगा, सिर्फ उसमें से क्या रिमूव हो जाएगा, आपका वायरस रिमूव हो जाएगा व्हेन यू क्लिक ऑन रिपेयर ऑप्शन. और अगर आपने इस पे क्लिक किया डिलीट ऑप्शन पे, कौन सा ऑप्शन पे, डिलीट ऑप्शन पे, तो वायरस प्लस फाइल दोनों ही क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे. क्लियर, क्लियर हो गया. क्या होगा अगर आपने इग्नोर पे किया, तो ना तो वायरस रिमूव होगा ना आपकी फाइल रिमूव होगी, वो वायरस जो है वो आपके सिस्टम पे कॉपी हो जाएगा व्हेन यू क्लिक ऑन इग्नोर. और अगर आपने रिपेयर पे क्लिक किया तो उससे आपका वायरस रिमूव हो जाएगा लेकिन फाइल जो है वो एज इट इज रहेगी, मतलब कि वो रिपेयर हो गई. और व्हेन यू क्लिक ऑन डिलीट ऑप्शन देन द वायरस प्लस फाइल बोथ आर रिमूव फ्रॉम द कंप्यूटर, तो दोनों ही क्या हो जाएंगे, आपके कंप्यूटर सिस्टम में से रिमूव हो जाएंगे, मतलब कि डिलीट हो जाएंगे. क्लियर. एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज यूज टू डिटेक्ट टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द वायरस. मीन्स क्या आइडेंटिफाई करता है ये आपका, कि आपका वायरस किस टाइप का है, टाइप ऑफ वायरस, साइज ऑफ वायरस एंड लोकेशन ऑफ वायरस. क्या आपको डिटेक्ट करेगा ये आपको बताएगा कि किस टाइप का वायरस है, उसकी साइज क्या है और उसके लोकेशन क्या है. इफ़ यू वॉन्ट टू आइडेंटिफाई द वायरस, इफ़ यू वॉन्ट टू डिलीट द वायरस, देन वी यूज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर. क्लियर. नाउ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर प्रोवाइड वन मोर ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू लोकेशन. इफ यू वॉन्ट टू स्कैन फुल कंप्यूटर देन यू क्लिक ऑन कंप्यूटर ऑप्शन, फुल कंप्यूटर ऑप्शन. अगर आपको पूरा कंप्यूटर स्कैन करना है तो आप क्या करोगे, फुल कंप्यूटर ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपका पूरा कंप्यूटर स्कैन हो जाएगा. व्हेन यू सेलेक्ट पर्टिकुलर ड्राइव एंड फोल्डर देन द पर्टिकुलर ड्राइव एंड फोल्डर विल बी स्कैन, तो आपका पर्टिकुलर ड्राइव जो होगी और जो आपका फोल्डर होगा सिर्फ वही स्कैन होगा, रिमेनिंग आपका कुछ भी स्कैन नहीं होगा. क्लियर हो गया. एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं जो कुछ फ्रीली अवेलेबल होते हैं और कुछ को हमें परचेस करना होता है. फॉर एग्जाम्पल AVG, मैक कैफे, क्विक हील, ये आपके क्या है, सॉफ्टवेयर के टाइप्स हैं. इसके अलावा भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, अवीरा एक्सेट्रा. क्लियर. जब भी आपकी फाइल में वायरस आएगा, वन मोर थिंग, जब भी आपकी फाइल में कोई भी टाइप का वायरस आएगा तो उसकी साइज जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है, मतलब कि अगर आपके सिस्टम पे वायरस आ गया तो उसके डिसएडवांटेजेस क्या हो जाएंगे, एक तो वो आपकी मेमोरी ज़्यादा ऑक्यूपाई करेगा. क्यों? क्योंकि आपकी उस फाइल की साइज़ के अलावा उसके साथ जो वायरस अटैच हुआ है उसकी साइज़ भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है. मतलब कि सपोज करो आपकी फाइल जो होगी वो 2 MB की है और उसके साथ में 1 MB का वायरस है, तो आपकी फाइल की साइज़ क्या हो गई, 3 MB, मतलब कि 1 MB जो है वो मेमोरी में और ज़्यादा ऑक्यूपाई हो गया. प्लस ये आपके कंप्यूटर की जो परफॉर्मेंस होती है उसको भी क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा. क्लियर हो गया. नेक्स्ट, डिस्क क्लीनअप. सेकंड यूटिलिटी प्रोग्राम डिस्क क्लीनअप. सेकंड जो ऑप्शन है वो कौन सा है आपका, डिस्क क्लीनअप. डिस्क क्लीनअप ऑप्शन इज यूज टू फ्री अप डिस्क स्पेस बिकॉज इट रिमूव द अननेसेसरी फाइल फ्रॉम द हार्ड डिस्क. इट इज यूज टू रिमूव अननेसेसरी फाइल्स फ्रॉम द हार्ड डिस्क. ये आपका क्या करता है कि जो भी आपकी हार्ड डिस्क में अननेसेसरी फाइल्स रखी हुई हैं, जैसे जिसको आप लॉन्ग टाइम से यूज़ नहीं कर रहे हो, जैसे आपकी कोई ऐप से रिलेटेड फाइल्स होती हैं जिसको आप लॉन्ग टाइम से यूज़ नहीं कर रहे हो, जिनको आप जो फ्रिक्वेंटली यूज़ प्रोग्राम होते हैं वो तो आपको पता ही है कि हार्ड डिस्क और प्राइमरी मेमोरी के बीच में क्या करते हैं,
स्वैपिंग प्रोसेस करते हैं। लेकिन जब आपकी फाइल कोई लॉन्ग टाइम तक यूज़ नहीं आ रही है, जो आप भूल चुके हो कि आपने कभी उसको यूज़ भी किया था, जैसे कीज फाइल्स होती हैं या जंक फाइल्स होती है, ये सारी फाइल, तो मीन्स इस टाइप की अननेसेसरी फाइल्स को रिमूव करने के लिए जो प्रोसेस यूज़ होता है वो होता है आपका डिस्क क्लीनअप। डिस्क क्लीनअप, आई रिपीट, डिस्क क्लीनअप इज यूज टू डिलीट, मीन्स इट इज़ यूज टू डिलीट अननेसेसरी फाइल्स फ्रॉम द हार्ड डिस्क विच आर नो लॉन्गर इन यूज़। जो आप बहुत टाइम तक यूज़ नहीं कर रहे हो, उन फाइल्स को हार्ड डिस्क से रिमूव करने के लिए जो प्रोसेस होता है वो आपका कौन सा होता है, डिस्क क्लीनअप। कैसे डिस्क क्लीनअप परफॉर्म करते हैं अभी मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगी, हाउ टू परफॉर्म डिस्क क्लीनअप ऑप्शन। वैसे मैं आपको इसके स्टेप्स बता देती हूँ हाउ टू ओपन डिस्क क्लीनअप ऑप्शन। फर्स्ट यू क्लिक ऑन स्टार्ट, देन ऑल प्रोग्राम, देन एसेसरीज, देन क्लिक ऑन सिस्टम टूल्स, देन क्लिक ऑन डिस्क क्लीनअप एंड देन चूज पार्टीशन, चूज पार्टीशन एंड क्लिक ऑन ओके। चूज पार्टीशन का मीन्स क्या हुआ कि आपको कौन सी पर्टिकुलर लोकेशन में से जो अननेसेसरी फाइल्स रिमूव करनी है, आपको उसके लिए पार्टीशन भी सेलेक्ट करना होगा। क्लियर, स्टार्ट ऑल प्रोग्राम एसेसरीज, देन सिस्टम टूल्स, देन डिस्क क्लीनअप, देन चूज पार्टीशन एंड देन क्लिक ऑन ओके। क्लियर, थर्ड ऑप्शन डिस्क डीफ्रेगमेंटर। डिस्क डीफ्रेगमेंटर का मीन्स क्या है, रीअरेंज द फ्रेगमेंट एंड स्टोरिंग फाइल इन कंटिन्यूस लोकेशन। आई रिपीट, रीअरेंजिंग द फ्रेगमेंट्स एंड स्टोरिंग फाइल्स इन कंटिन्यूस डिस्क लोकेशन। मीन्स क्या हो गया कि अब आपने क्या किया, हार्ड डिस्क में आपके जैसे स्टोर है कोई भी प्रोग्राम, जैसे सपोज ये आपकी मेमोरी का पार्ट है, ठीक है, ये आपके मेमोरी का पार्ट है, यहाँ पे आपका कोई डेटा है, ये आपका यहाँ पे कोई डेटा रखा हुआ है। अब आपको जो है कोई डेटा स्टोर करना है, आपके डेटा यहाँ पे आपके 2 MB की यहाँ पे लोकेशन है और 2 MB का आपका डेटा यहाँ पे है, ये आपका 1 MB का डेटा यहाँ पे स्टोर है। अब आपको सपोज करो कि 4 GB का कंटिन्यूस में डेटा जो है वो स्टोर करना है। सपोज करो आपका एक डेटा है जो कितना है, 4 MB का है, और इस 4 MB के डेटा को आपको कंटिन्यूस फॉर्म में क्या करना है, स्टोर करना है। लेकिन आपका ये 1 MB का डेटा यहाँ ऑलरेडी पड़ा है, तो उस केस में क्या यूज़ करते हैं, डिस्क डीफ्रेगमेंटर ऑप्शन, डिस्क डीफ्रेगमेंटर सॉफ्टवेयर, डिस्क डीफ्रेगमेंटर प्रोग्राम दैट इज़ यूज टू रीअरेंज द फ्रेगमेंट एंड स्टोरिंग फाइल्स इन कंटिग्यूस डिस्क लोकेशन। ये आपका क्या करेगा कि जो ये 1 MB का डेटा है, इसका जो पार्टीशन है इसको क्या कर देगा, इसकी लोकेशन को चेंज कर देगा, मतलब इसको या तो यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देगा या सबसे लास्ट पर ट्रांसफ़र कर देगा, और इस वाली जो लोकेशन है इसको क्या कर देगा, यहाँ से फ्री कर देगा, ताकि हम 4 MB के डेटा को यहाँ पे इजीली क्या कर सकें, स्टोर कर सकें। क्लियर, एनी डाउट? नेक्स्ट, हाउ टू ओपन दिस डीफ्रेगमेंटर ऑप्शन, हाउ टू ओपन, कैसे ओपन करेंगे दिस डीफ्रेगमेंटर ऑप्शन को, क्लिक ऑन Start all program, then click on accessories, then click on system tools and then click on disk defragmenter.
क्लियर, इससे आपका क्या हो जाएगा, दिस डीफ्रेगमेंटेड डायलॉग बॉक्स विल अपियर. आई रिपीट, स्टार्ट ऑल प्रोग्राम देन एसेसरीज देन सिस्टम टूल्स देन क्लिक ऑन दिस डीफ्रेगमेंटर देन द डीफ्रेगमेंटर डायलॉग बॉक्स विल अपियर. इससे आपका क्या हो जाएगा, डीफ्रेगमेंटर का डायलॉग बॉक्स जो है वो आपके सामने अपियर हो जाएगा. नाउ चूज डिस्क पार्टीशन. अब आपको क्या करना है, डिस्क पार्टीशन को चूज करना है. क्या करोगे, नेक्स्ट आप ऑप्शन चूज डिस्क पार्टीशन. क्लियर, आपको डिस्क पार्टीशन ऑप्शन को क्या करना है, चूज करना है कि कौन सी डिस्क को आप क्या करना चाहते हो, डीफ्रेगमेंट करना चाहते हो, एंड देन क्लिक ऑन डीफ्रेगमेंटर डिस्क. और उसके बाद आप किस पे क्लिक करोगे, डिस्क डीफ्रेगमेंट डिस्क पे. तो ये क्या कर देगा, उसको जो है डिसफ्रेगमेंट कर देगा, मतलब कि उसकी जो डेटा जो उसकी मेमोरी होगी उसको क्या कर देगा, आपके फ्रेगमेंटेशन में रीअरेंज कर देगा सारे फ्रेगमेंट्स को, और उसमें फिर आप कंटिग्यूस डेटा अलोकेट कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो. क्लियर, बट ये सारे ऑप्शंस आपको अपने सिस्टम पे ट्राई नहीं करने हैं. अगर आपने इसको ट्राई किया तो कुछ ना कुछ आपके सिस्टम में अगर प्रॉब्लम हो गई तो फिर ये आपके लिए लॉस हो जाएगा डेटा का. क्लियर, तो सिर्फ आप इसको ओपन करके इसके ऑप्शंस देख सकते हो, जैसे मैं अभी आपको बता दूंगी एक बार प्रैक्टिकली कि कैसे आपको ऑप्शन देखना है, लेकिन आप इनको परफॉर्म मत करना. क्लियर, नेक्स्ट ऑप्शन डेटा कंप्रेशन. नेक्स्ट ऑप्शन डेटा कंप्रेशन. डेटा कंप्रेशन ऑप्शन इज यूज टू सिंक अ फाइल. किस लिए यूज होता है, इट इज यूज टू सिंक अ फाइल. किस लिए यूज होता है, श्रिंक करने के लिए. श्रिंक मतलब कि उसको छोटा करने के लिए. आपने कई बार यूज किया होगा ईमेल, ईमेल यूज किया है आपने. अगर देखा हो तो अगर ईमेल में मुझे कोई फाइल्स का, सपोज करो एक फोल्डर है, मेरा एक फोल्डर है फोटोज का, क्या है फोटोज का एक फोल्डर है. नाउ आई वॉन्ट टू सेंड फुल फोल्डर ऑफ फोटोज. अब ये मुझे पूरा फोल्डर जो है मुझे ये ईमेल के थ्रू क्या करना है, ट्रांसफर करना है. हाउ इट इज पॉसिबल, क्या मैं इसमें जो 1000 फोटोज है उसको वन बाय वन अटैच करूं, क्योंकि जैसे ही हम अटैच फाइल पे क्लिक करते हैं वो सिंपल एक फाइल सेलेक्ट करता है, पूरे फोल्डर को सेलेक्ट नहीं कर सकता. इफ फोल्डर कंटेन मेनी फाइल्स then it is not possible to transfer full folder at a time. हम उस पूरे फोल्डर को एक साथ सेलेक्ट नहीं कर सकते, उसको सेंड नहीं कर सकते, ट्रांसफर नहीं कर सकते ईमेल के थ्रू. क्यों, क्योंकि उस फोटोज वाले फोल्डर में बहुत सारी आपकी अलग अलग इंडिविजुअल फाइल्स हैं. देन वी यूज डेटा कंप्रेशन ऑप्शन. तब हम क्या यूज करेंगे, डेटा कंप्रेशन ऑप्शन यूज करेंगे. डेटा कंप्रेशन ऑप्शन क्या करेगा, डेटा कंप्रेशन सॉफ्टवेयर श्रिंक द फोल्डर इनटू फाइल, सिंगल फाइल. अब ये क्या करेगा, जैसे ही हम डेटा कंप्रेशन सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, ये जो फोटोज का फोल्डर था उसको क्या कर देगा, एक कंप्रेस कर देगा और जिप फाइल में कन्वर्ट कर देगा. कौन सी फाइल में कन्वर्ट कर देगा, जिप फाइल में. क्लियर, तो इस जिप फाइल को हम इजिली क्या कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं. क्लियर हुआ, means compression is used to transfer file either through emails or portable storage device. Clear हुआ, किस लिए यूज कर रहे हैं हम डेटा कंप्रेशन ऑप्शन. इट रिड्यूस नंबर ऑफ bytes. ये क्या कर देगा, नंबर ऑफ bytes रिड्यूस कर देता है. उसकी साइज जो होती है वो आपके क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है, जिससे आप फाइल को इजिली क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो. क्या कर सकते हो, ट्रांसफर. क्लियर, नाउ हाउ टू कंप्रेस डेटा. कैसे कंप्रेस करना है आपको, राइट क्लिक ऑन फाइल एंड फोल्डर. जिसको भी आपको क्या करना है, जिप फाइल में कन्वर्ट करना है, उस पर आप क्या करोगे, राइट क्लिक ऑन फाइल एंड फोल्डर, देन क्लिक ऑन सेंड टू ऑप्शन. क्या करना है, क्लिक ऑन सेंड टू ऑप्शन, देन क्लिक ऑन कंप्रेस्ड और चिप्ड फोल्डर. क्या करना है आपको, कंप्रेस और चिप फोल्डर ऑप्शन पे क्लिक करना है. आई रिपीट,
राइट क्लिक ऑन फाइल एंड फोल्डर, देन क्लिक ऑन सेंड टू, देन क्लिक ऑन कंप्रेस जिप फोल्डर, तो वो अब आपका क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिप फाइल में। अगर आपने देखा हो तो एक फोल्डर के ऊपर जिप वाला सिंबल आता है, वही होता है आपका कंप्रेस फोल्डर। क्लियर। नेक्स्ट बैकअप यूटिलिटी प्रोग्राम। नेक्स्ट कौन सा है आपका, बैकअप यूटिलिटी प्रोग्राम। आई थिंक मुझे ये वाला समझाने की आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। बैकअप यूटिलिटी प्रोग्राम मीन्स क्रिएट एडिशनल कॉपी ऑफ डेटा, क्रिएट एडिशनल कॉपीज ऑफ डेटा। ठीक है, हम क्या करते हैं कि डेटा की जब हम एडिशनल कॉपी क्रिएट कर देते हैं, तो वो आपका क्या होता है, बैकअप यूटिलिटी प्रोग्राम। वो कब यूज होता है, दैट इज यूज इन केस ऑफ डैमेज। कब यूज होता है, इन केस ऑफ डैमेज और एक्सीडेंटल डेटा लॉस। जैसे आप अभी यूज लेते हो गूगल फोटोज का, सपोज करो आपका फोन खराब हो जाता है, ठीक है, या आपका फोन कहीं गुम हो जाता है, तो उस केस में आपके गूगल फोटोज में आपकी सारी फोटोज जो है वो स्टोर रहती है। वो भी किस लिए यूज होता है, बैकअप के लिए। बैकअप मीन्स क्रिएट एडिशनल कॉपीज ऑफ डेटा डेट कैन बी यूज टू रिमूव द ओरिजिनल डेटा। जब हम डेटा को, ओरिजिनल डेटा को रिमूव करना चाहते हैं, तब हम क्या यूज करते हैं, बैकअप यूटिलिटी प्रोग्राम। क्लियर। जब हम उसकी कॉपी क्रिएट कराते हैं तो वो क्या कहलाता है, बैकअप। क्या कहलाता है, बैकअप। क्लियर है या कोई डाउट है। नेक्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन ऑफ सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम। सिस्टम मीन्स यूटिलिटी प्रोग्राम। सिस्टम मैनेजमेंट का तो आपके थ्री टाइप्स थे, थ्री टाइप्स मैंने आपको बता दिए कौन कौन से थे, ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद में क्या बताया था मैंने आपको, लाइब्रेरी प्रोग्राम, देन मैंने आपको समझाया अभी यूटिलिटी प्रोग्राम। ये सब किसके टाइप थे, सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम के, किसके, सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम के। और उसके बाद जो भी मैंने बताया था, जो भी सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम के बाद में जो भी, मतलब कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, उसके अलावा डिस्क क्लीनअप, डेटा कंप्रेशन, बैकअप यूटिलिटी प्रोग्राम और डिस्क डिफ्रेगमेंटर, ये सारे किसके ऑप्शन थे, यूटिलिटी प्रोग्राम के। क्लियर। एंड लास्ट ऑप्शन जो है यूटिलिटी प्रोग्राम का, वो आपका है इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन क्यों यूज करते हैं, इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन टूल्स, कोई आइडिया। इनक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डेटा इन फॉर्म दैट इज नॉट अंडरस्टेबल, मीन्स कन्वर्ट कन्वर्ट इंपॉर्टेंट डेटा इंटू कन्वर्ट इंपॉर्टेंट डेटा इंटू स्पेसिफिक फॉर्म दैट इज नॉट अंडरस्टेबल, दैट इज नॉट अंडरस्टैंडेबल। इसका मीनिंग क्या हुआ, आप लोगों को पता है कि जब भी आप किसी फाइल को ओपन करते हो, आप कोई ऐसी फाइल को ओपन करोगे, जैसे आपने कोई फाइल देखी हो, नोटपैड की फाइल है या आपकी वर्ड की फाइल है, उसको आप नोटपैड में ओपन करने की रिक्वायरमेंट है, या कोई आपकी सिक्योर फाइल है और सिक्योर फाइल को आपको जैसे कीज पता नहीं होती हैं और उसको आप ओपन करने की कोशिश करते हो, तो आपके पास एक अजीब बहुत से ऐसे सिंबल शो हो जाते हैं। मीन्स वो क्या है, आपकी इंक्रिप्शन की भी है। इंक्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि जो आपकी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो एक अदर फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देता है, जो कि हमें समझ में नहीं आती है, जिसको हम रीड नहीं कर सकते, जो लैंग्वेज हम समझ ही नहीं सकते, वो क्या होता है, इंक्रिप्शन प्रोसेस होता है। कौन सा प्रोसेस होता है, इंक्रिप्शन प्रोसेस, जिस जो
नॉर्मली कभी भी समझ में नहीं आ सकता है, ऐसी लैंग्वेज में वो उसको कन्वर्ट कर देता है, सिंपल फॉर्म में, सिंपल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। और ये लैंग्वेज, ये जो कोड होता है, ये सिर्फ किसको, ये कोड हर किसी को समझ में आता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके लिए की यूज रहती है। जब हम उसके लिए जो पर्टिकुलर कोड है उसको इंसर्ट कर देंगे तो वो वापस उसकी नॉर्मल लैंग्वेज में ट्रांसफर हो जाता है। दैट इज नोन एज डिक्रिप्शन। कौन सा होता है वो? डिक्रिप्शन। ये तो हो गया आपके इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन का मीनिंग क्या हुआ आपको समझ में आ गया? जब हम किसी भी सिक्योर डेटा को, सेंसिटिव, प्रोटेक्ट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को किसी और स्पेसिफिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं जिसको हर कोई नहीं समझ सकता, तो वो क्या होता है? इंक्रिप्शन होता है। और जैसे ही वो सही जगह पे, जैसे हमने सुना है कि जैसे साइबर क्राइम्स होते हैं, साइबर क्राइम्स में क्या होता है कि अगर आपके डेटा की फाइल कोई ट्रांसफर होती है तो वो किसी और जगह का सपोज पहुंच जाए, तो वो जब भी ओपन होगी तो उसमें सिंबल शो हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो सही जगह पे नहीं पहुंची है। तो उसके लिए वो क्या यूज करते हैं? इंक्रिप्शन को वापस कन्वर्ट करने, इंक्रिप्शन वाली फाइल को कन्वर्ट करने के लिए नॉर्मल लैंग्वेज में जो पहले थी, ठीक है, उसमें कन्वर्ट करने के लिए वो एक कोड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? कोड यूज कर सकते हैं। उस कोड से क्या होती है, जो आपकी नॉर्मल लैंग्वेज होती है वो फाइल उसमें ट्रांसफर हो जाती है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिक्रिप्शन। मैं एक बार वापस दोनों की डेफिनेशन आपको बता देती हूँ। इंक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डेटा इन द फॉर्म दैट इज नॉट अंडरस्टैंडेबल, इट इज यूज टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए हम जो मेथड यूज करते हैं वो कौन सा होता है? इंक्रिप्शन। और डिक्रिप्शन मीन्स इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ इंक्रिप्शन। क्या होता है? रिवर्स प्रोसेस होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, वापस इस जो आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है इसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं? नॉर्मल कोड में कन्वर्ट करते हैं, और दिस प्रोसेस इज नोन एज डिक्रिप्शन प्रोसेस। ओके, नाउ इन नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट सिस्टम डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट में मैं आप बताऊंगी सिस्टम सॉफ्टवेयर का सेकेंड टाइप जो है वो कौन सा है आपका? सिस्टम डेवलपमेंट प्रोग्राम। और जिसमें मैं आपको इसका टाइप बताऊंगी वो कौन सा होगा आपका? लैंग्वेज ट्रांसलेटर। कौन सा होगा? लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ओके, न्यू हाउ टू ओपन दिस क्लीन अप ऑप्शन इन विंडोज 10। क्लिक ऑन स्टार्ट, देन क्लिक ऑन Windows Administrative Tools, then click on Disk Cleanup. Then Disk Cleanup dialog box will appear. Now select the drive that you want to clean. जो भी आपको clean करनी है उसको select करना, ठीक है, and then click on OK. लेकिन ये हमें perform नहीं करना है. Clear. Next, Disk Defragmenter option. Click on Start. Then again click on Windows Administrative Tools and then click on Defragment and Optimize Drives. Then again Optimize Drives dialog box will appear. Now select the drive that you want to defragment and then click on select drive and then click on optimize or analyze, any one option, and then the drive will be defragment. Clear? ये operations perform नहीं करने हैं आपको. Now if you want to compress folder, then right click on folder. जो आपको folder क्या करना है, compress करना है, जैसे मुझे ये folder compress करना है, then click on send to option and click on send to option and then click on compress and zip folder, then click on compress and zip folder. देखना अब आपका इसका compress और zip folder create हो जाएगा.
नाउ सी चिप फोल्डर ऑफ नितिन फोल्डर विल बी क्रिएटेड. ओके थैंक यू.